नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम दीवान, दीवान हॉस्पिटल लुधियाना से। पिछले मेरे टॉक में मैंने आपको पित्ते की पथरी और गुर्दे की पथरी कैसे बनती हैं उनके बारे में बेसिक भौतिक ज्ञान बताया, परंतु आज हम इसमें विस्तार में जाएंगे कि जो पित्ते की पथरी बन गई है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पित्ते की पथरी पित्त के मुँह को रोक देती है, तो उससे पित्ता जब सुखड़ता है तो दर्द होता है। तो ये दर्द कैसा होता है? ये दर्द ज़्यादातर रात में होता है और बहुत ज़्यादा तेज होता है, पीठ में चला जाता है और साथ में उल्टियाँ आती हैं और ये अपने आप आराम नहीं आता। मरीज कई बार तो बिस्तरे में मछली की तरह, जैसे पानी से निकाल दी गई मछली, वैसे तड़पता है और कोई गोली से भी आराम नहीं आता, टीका लगवाना पड़ता है। ये पित्ते की, जिसको हम बिलरी कॉलिक कहते हैं, कॉलिक का मतलब सुखड़ना, तो सुखड़ने वाली दर्द है। अब जो पित्ते की दर्द सुखड़ने वाली है, हमने गोली ले ली या इंजेक्शन लगवा लिया, हमको आराम आ गया, वो जो पथरी थी जो पित्ते का मुंह रोक रही थी वो पीछे गिर गई और पित्त निकल गया। इस तरह 1, 2, 3, 4 एपिसोड होते रहते हैं। तो पित्ता जो ज़्यादा सुखड़ता है और पथरी में उसमें घर्षण होता है, रगड़ती है उसको, तो पित्ते के अंदर जख्म हो जाते हैं। जख्म में पित्ते की एक और ख़ास बात है, इसमें कई कीटाणु छुपते हैं, क्योंकि एक तरह पे कीटाणु को छुपने की जगह है। ख़ास तौर पे बुनियादी बुखार, जैसे टाइफाइड के बुखार के कीटाणु हैं, इसमें बहुत छुपते हैं। तो वो कीटाणु जो जख्म हो जाते हैं पथरी के घर्षण से, रगड़ने से, उनमें सोज आ जाती है, उससे पित्ता जो धीरे धीरे मोटा, उसकी जो दीवारें हैं मोटी होने लगती हैं और वो सूज जाती हैं। सूज के दर्द होता है जो कि पहले दर्द जैसा नहीं होता, वो दर्द लगातार होता है, थोड़ा होता है। तो ये दूसरी बात, हमने 3 बातें देखी, पित्ते की पथरी से बहुत ज़्यादा दर्द होना, उल्टियाँ आना, या थोड़ा दर्द जो कि कई कई महीने सालों भी लोगों के होता रहता है, जो कि पित्ते की सोज के कारण। अब जब पित्ता मोटा हो जाता है तो पित्ता जो पित्त को मैनेज करता था, उसका वो करता था कि उसको इकट्ठा करता था, उसको गाढ़ा करता था और उसको आंतरियों में भेजता था। तो मोटा आदमी खुद नहीं चला जाता, तो दीवार जो मोटी हो गई वो ना तो ज़्यादा फूलेगा पित्त को लेगा, ना उसको सुखड़ेगा, तो आदमी का हाजमा ख़राब हो जाएगा। हाजमा ख़राब होने से आपका पित्त नहीं जाएगा उसमें, तो चीज़ें हजम नहीं होंगी, चीज़ें हजम नहीं होंगी तो आंतड़ियों में गली सड़ेंगी, गली सड़ेंगी तो उसमें कीटाणु पैदा होके आपको, मतलब कि गैस जो है, यानी कि दुर्गंध वाली वायु जिसको पाद बोलते हैं, नीचे से आएगी, पाद आएगी, पेट में आपके फुलावट सी आ जाएगी, जैसे फूला सा है, भरा सा है, यानी कि आपको बदहजमी हो गई है और आपको ऐसे लगेगा जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है चीज़, उल्टी आने की इच्छा सी रहेगी। और ये देखिए, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, समस्याएं, ये ज़्यादातर लंबी होती जा रही हैं पित्ते की पथरी से। फिर जो हवा है ऊपर से निकलेगी तो डकार आएंगे, बहुत से मरीज आते हैं उनको डकार या गैस, लगातार गैस, या पेट फूलना, खाना खाते हैं 2-3 घंटे पेट फूला रहता है, या यहाँ पे भारीपन कि खाना जो है अब हजम हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारी बॉडी में, हजम नहीं हुआ तो वही आंतरियों में पड़ा है, लटक रहा है उसका, जितना ज़्यादा खाओगे उतना भारी महसूस करोगे भाई। इसलिए पित्ते की पथरी जो है आपको, ये तो आम समस्याएं होंगी, परंतु जैसे हमने कहा कि ये सोज कर सकती है और जख्म कर सकती है, तो इसका ये नहीं है कि आपने दवाई खा ली दर्द कम हो गया, दवाई खा ली थोड़ी सोज कम हो गया, पर कई बार इस पे निर्भर करता है कि आप में कितनी शरीर में ताकत है कीटाणुओं को मारने की या वश में करने की, और दूसरा कीटाणु कितने कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं। अगर कीटाणु बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ताकतवर हैं, या हमारी ताकत उनको मारने या कंट्रोल करने में, उनको दबाने में, नष्ट करने में कम हो गई है, तो वो क्या करेंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे मवाद में पित्ता में गल जाएगा, पित्ता जो है वो गल के कमज़ोर हो सकता है, उसमें जख्म हो सकते हैं। कीटाणुओं को चाहिए भोजन, तो पित्ते में से वो जख्म करेंगे ताकि उनको जो हमने भोजन खाया है शरीर में से, हमारे खून में से,
खून हमारा वहाँ से पिएंगे वो, उनसे उनको ऑक्सीजन और अच्छे पौष्टिक पदार्थ मिलेंगे। जैसे जोंक खून पीती है, जख्म पे खून आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, तो वो कीटाणु वहाँ से हमारे खून में एंटर भी कर सकते हैं और सारे शरीर में फैल सकते हैं। या वो पित्ता जो है वो गल सकता है, गल के बिल्कुल नरम, जैसे टमाटर या कोई भी सब्जी या फल या मांस गल जाता है बाहर पड़ा पड़ा, वैसे गल जाता है, बदबूदार हो जाता है और वो गल के फट सकता है। हालांकि ये अपेंडिक्स ज़्यादा फटता है, पित्ता इसलिए नहीं फटता ज़्यादा कि पित्ते की एक तो जो दीवार होती थोड़ी मोटी होती है और इसकी खून की सप्लाई ज़्यादा अच्छी होती है। पर फिर भी मैंने बहुत पित्ते के फटे हुए केसेस देखे हैं, क्योंकि मैंने लाखों पित्ते के केस देखे हैं और 50,000 से ऊपर तकरीबन सारी दुनिया में ऑपरेशन किए हैं इसके। तो इसलिए इसके बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा ही इसमें मेरे इसमें ज़्यादा शौक मेरा इसमें इंटरेस्ट होने के कारण इसका ज्ञान मेरे को ज़्यादा है। ऐसे बहुत लोग आते रहते हैं, कईयों के पथरी भी नहीं होती, सिर्फ टाइफाइड या कि बुनियादी बुखार के कीटाणुओं के कारण ये सूख जाता है और उससे फट भी जाता है, क्योंकि पथरी के कारण तो ये मोटा हो जाता है तो फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये पथरी है, जैसे कि हमने देखा था ना कि मूंग के अंदर वो फंसी, कई बार वो छोटी पथरी होती है वो स्लिप करके जैसे नदी में पत्थर बहता है, बह के नीचे पित्त की नलकी में चली जाती है। 10% पथरियाँ जो पित्त की नलकी में होती हैं वो वहीं पर बनती हैं, 90% पथरियाँ वो ऊपर से पित्त में से पित्त के साथ बह के आती हैं। अब वो पथरी जो है अगर उसमें आ गई है तो निकल सकती है, छोटी है, पित्त के बहाव के साथ निकल सकती है, परंतु वहाँ पे जो उसका दरवाज़ा है या उसके पहले कहीं भी वो रुक के बड़ी हो सकती है, फंस सकती है, या जैसी आई है वैसे ही फंस सकती है। अब अगर वो फंस गई और तो जैसे ट्रैफिक है, वो अगर GT रोड है या कोई भी सड़क है, आप जहाँ भी बैठे हैं आपके घर के बाहर कोई सड़क होगी, अस्पताल आप सुन रहे हैं बाहर पर सड़क होगी, अब उसमें कोई कार खराब हो जाए, ट्रक खराब हो जाए या उल्ट जाए या किसी भी और कारण मतलब कि उसको बंद कर दिया जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, लंबी लाइन हो जाती है, धुआं शोर, लोग हॉर्न बजाएंगे, अब इतना ट्रैफिक जाम हो गया, पित्त का जाम हो गया। अब पित्त जो है नलकी में भर गया, प्रेशर बढ़ गया, जिगर तो बना ही जा रहा है उसको, जिगर में भर गया, जिगर भर के चूने लगता है और चू के वो खून में चला जाता है पित्त। आपको देखा होगा जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, जरकान, जॉन्डिस, पीलिया, जब वो पित्त आ जाता है तो आँखों में शुरू शुरू में नज़र आता है, क्योंकि आँखें हमारी ये सफ़ेद होती हैं, इसमें जल्दी दिखाई दिया जाता है, सफ़ेद में पीलापन जल्दी दिखाई देता है। परंतु थोड़ा बढ़ने के बाद ये मुँह के अंदर जो तालुआ है हमारा, पैलेट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें दिखाई देता है। और बाद में तो मैंने बहुत मरीज देखे हैं, ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं जिनका 30-40 भी हो जाता है। और इससे जो पित्त से जो हमारी चमड़ी है इसमें जो खून होता है इसकी सरफेस टेंशन चेंज हो जाती है, ऑस्मेलिटी चेंज हो जाती है, गाढ़ा पतला हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत खाज शुरू हो जाती है ख़ास तौर पर इस पित्त से। और मैंने देखा लोग खाज इतनी करते हैं कि उनके जख्म हो जाते हैं। तो पित्त से पीलिया हो गया, अब पीलिया जब पेशाब में आता है तो पेशाब पीले रंग का हो जाता है, गाढ़े पीले रंग का। अब ये पित्त जो था आंतरी में जाता नहीं है, तो आंतरी में जो हमारा मल जाता है वो आमतौर पे पीले रंग का होता है या ब्राउन रंग का होता है, वो सफ़ेद मिट्टी का, जैसे कि सफ़ेद चीकनी मिट्टी होती है, स्लेटी होती है, स्लेटी रंग का हो जाता है, उसमें से पीला रंग उड़ जाता है, गाढ़ा रंग, इस तरह मरीज बताते हैं। तो इस तरह ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अब जिस तरह पित्ते में रुकावट के कारण मैंने बताया था आपको कि सो जा सकती है या मवाद पड़ सकती है, पित्त की नलकी में भी हो सकती है, परंतु यहाँ एक बहुत बड़ा जानलेवा खतरा है, क्योंकि पित्त की नलकी सीधी जिगर से जुड़ी हुई है और जिगर हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर में से जहर निकालता है, अमोनिया, दूसरी जहर हजार तरह की, और हमारे जो हम खाते पीते हैं उसकी फैक्ट्री है। उसको जैसे कि हम आटे का, जो गेहूं के दाने का आटा बनाते हैं, आटे की रोटी बनाते हैं उसको, या बिस्कुट बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, खाते हैं, इसको ये हम जो खाते हैं उसको आगे प्रोसेस करता है, जो हमारे दिमाग में, दिल में, मांसपेशियों, हड्डियों में, हर चीज़ में पहुँचता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है अगर उसमें इन्फेक्शन पहुँचेगी तो लिवर फेल हो सकता है, और इसलिए
ये पित्त की नलकी की सोज जानलेवा हो सकती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको पित्त की पथरी को छोड़ना नहीं है। अगर आपको पता चले कि पित्त की पथरी आपको कोई तकलीफ देना शुरू कर दिया है तो उसका आप इलाज यानी कि ऑपरेशन करवा लीजिए समय पर। अगर आपको किसी भी तरह की मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो पीछे मेरा अस्पताल का एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया गया है, सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में आप उस पर मेरे को कॉल करके कंसल्टेशन का टाइम ले सकते हैं। धन्यवाद।